सो यो व्हाट्सअप गेमर, तो क्या हालचाल है। और गाइस हम सभी लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनर स्कोर के बारे में। एंड गाइस जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मेरा ऑनर स्कोर यहाँ पे 100 है। एंड गाइस आप लोग कमेंट में जरूर बताना गाइस आप लोगों का ये ऑनर स्कोर कितना है। एंड गाइस आखिर यहाँ पे बात करती है ऑनर स्कोर आखिर है क्या। एंड गाइस क्या ये अगर ये माइनस होता है तो क्या आपका आईडी बैन हो जाएगा। तो गाइस मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में यह सब बताने वाला हूँ। एंड गाइस ये वीडियो का मेन जो इंटरेस्टिंग बात है ना गाइस ये है कि गाइस मेरा जो यहाँ 100 है ना ऑनर स्कोर, इसको मैं माइनस करने वाला हूं, अभी 0 तक मैं इसको कर दूंगा। तो गाइस मैं देखूंगा क्या मेरा आईडी बैन हो जाएगा। एंड गाइस अगर आप लोग भी फ्री फायर गेम को खेलते हो तो गाइस ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि यहां पे जो ये ऑनर स्कोर है ना गाइस अगर ये माइनस होता है ना तो गाइस आपका आईडी भी बैन हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि गाइस क्या मेरा ये आईडी मतलब यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा आईडी मतलब यहाँ पे बैन हो जाएगा, जो कि मैं आप सभी लोग इस वीडियो में लाइव ये करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस आप सभी लोगों से मिली करना क्या है भाई लोग ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। एंड गाइस चैनल पे नए आए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और गाइस साथ में वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना है। एंड गाइस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस चलो मैं आपको बताता हूँ कि गाइस ये आखिर ऑनर स्कोर है क्या। तो गाइस जैसे अगर ऑनर स्कोर देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड गाइस आपको यहाँ पे मिल जाएगा सबसे नीचे ऑनर स्कोर। तो गाइस इसका सबसे बेसिक पहले बात कर लेते हैं। तो गाइस जिससे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दो रोबो आपका जो ऑनर स्कोर पे क्या करता है गाइस ध्यान दिया हुआ रहता है। एंड गाइस जिससे इसका कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन गाइस मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपका जो है 100 यहाँ पे ऑनर स्कोर होता है जो कि मतलब बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड गाइस जिससे अगर आप लोग यहाँ पे एक नंबर पे देखोगे अगर 90 हो रहा है आपका ऑनर स्कोर तो गाइस यहाँ पे सीएस रैंकेड बैन हो जाएगा। फिर दो नंबर पे देखोगे तो गाइस यहाँ पे 80 होगा तो गाइस यहाँ पे सीएस और गाइस रैंकेड होता है ना गाइस बीआर रैंकेड वो भी बैन हो जाएगा। फिर जैसे देखोगे यहाँ पे 60 पे तो गाइस क्या होगा आप लोग टीममेट के साथ गेम नहीं खेल पाओगे, मतलब आप लोग स्क्वाड गेम नहीं खेल पाओगे। ठीक है तो चलो इसको टेस्ट करता हूँ। जो भी इसका ऑनर स्कोर है इसको पूरी मैं माइनस ही कर देता हूँ। ठीक है मतलब पूरी माइनस करके देखता हूँ क्या मेरा आईडी बैन हो जाएगा, आखिर माइनस करने पर क्या होगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस माइनस कैसे होता है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, डुओ आप लोगों को कोई भी मोड स्टार्ट करना है। ठीक है कोई भी मोड आप लोग डुओ या स्क्वाड कर सकते हो। तो गाइस उसके लिए मैं यहाँ पे लॉन ऑफ वाला मोड में यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइस ये एक मतलब काफ़ी छोटा मतलब मोड है। और गाइस इसमें क्या करना है आपको सिंपली कोई भी गेम को खेलते हो तो आपको सिंपली स्टार्ट करना है। यानी गाइस जैसे ये स्टार्ट होगा, ठीक है जैसे ये स्टार्ट हुआ आपको सिंपली क्या करना है बैक करना है। यानी कि जैसे बैक करोगे तो आपका ऑनर स्कोर माइनस होते रहता है। ठीक है अगर आप लोग कोई भी गेम खेलते हो, अगर कोई भी रैंडम बंदे के साथ खेलते हो यानी कि जो गेम स्टार्ट कर दिया यानी कि जैसे अगर आप लोग बैक करोगे तो भाई यहाँ पे ऑनर स्कोर माइनस होगा। जैसे देखोगे यहाँ पे रिपोर्ट में मेरे को यहाँ पे 2 यहाँ पे ऑनर स्कोर माइनस हो चुका है। ठीक है तो वही चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे ऑनर स्कोर पे आता हूँ तो देख लो गाइस यहाँ पे जो 100 था ना गाइस यहाँ पे मतलब सीधे देख लो 98 हो चुका है। मतलब जिससे अगर आप लोग कोई भी मोड में जाके अगर बैक करते हो तो 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है आप लोग ये ध्यान में रखना। एंड गाइस उसको मैं पूरी 0 करने वाला हूँ। तो वही चलो मैं 0 करता हूँ, तब तक यहाँ पे वीडियो को मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, तो गाइस काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है गाइस तो इसलिए चलो मैं फटाफट इसको माइनस करके दिखाता हूँ, 0 करके दिखाता हूँ आखिर 0 करने पर क्या होगा गाइस, क्या मैं गेम नहीं खेल पाऊंगा, क्या मेरा आईडी बैन हो जाएगा। तो गाइस चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे अगर आप लोग देखोगे तो गाइस 2 मतलब मैं 4 माइनस कर दिया तो जैसे देखोगे तो यहाँ पे 96 हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये माइनस हो जा रहा है। तो गाइस फटाफट चलो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो को मैं पॉज कर दे रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई लोग सो फाइनली गाइस काफ़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पे पनिशमेंट फिर से मिल चुका है मुझे। और गाइस इस बार रोबो पेट बोला जा रहा है, बोल रहा है कि भाई आपका जो है ना ऑनर स्कोर 80 से कम हो चुका है, इसीलिए आपका सीएस रैंकेड एंड साथ में बरमूडा रैंकेड भी यहाँ पे बैन कर दिया गया है। मतलब मैं यहाँ पे रैंकेड नहीं खेल पाऊंगा, यहाँ पे सीएस रैंकेड और साथ में बरमूडा रैंकेड भी मेरा बैन हो चुका है। तो गाइस फिर भी क्या करता हूँ इसको यहाँ पे अंदर स्टोर करता हूँ। एंड चलो यहाँ पे रैंकेड स्टार्ट करके देखता हूँ तो ये क्या भाई यहाँ पे रैंकेड भी नहीं हो रहा है भाई, स्टार्ट क्या हो गया भाई मेरा रैंकेड का। और सीएस रैंकेड देखता हूँ भाई ये भी नहीं हो रहा है ना ये भी हो रहा है, मतलब भाई क्या हो गया मेरा। एंड जैसे अगर आप लोग देखोगे तो मेरा ऑनर स्कोर काफ़ी मतलब घट गया होगा गाइस, काफ़ी मैं घटा दिया हूँ। तो देख लो यहाँ पे 78% हो चुका है। और यहाँ पे नीचे भी लिखा कह रहा है कि आप जो यहाँ पे सीएस रैंकेड और बरमूडा रैंकेड भी नहीं खेल पाओगे। तो गाइस इसको चलो फटाफट और मैं माइनस करता हूँ, मतलब इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है तो चलो मैं फटाफट यहाँ पे क्या करता हूँ वीडियो को मतलब यहाँ पे गेम को स्टार्ट करता हूँ। एंड फटाफट मैं इसको माइनस करता हूँ, मतलब आपको गेम के अंदर जाना है, गेम को बैक करना है। ठीक है और स्क्वाड में आप अगर आप रहते हो
तो अभी ये माइनस होने वाला है। अगर आप लोग स्क्वाड में नहीं रहोगे तो यहाँ माइनस नहीं होगा। तो भाई चलो मैं फटाफट क्या करता हूँ, और भी यहाँ पे माइनस करता हूँ और देखता हूँ क्या मेरा मतलब और क्या मतलब मेरे को नोटिस मिल रहा है, ठीक है मेरे भाई लोग। तो भाई चलो फटाफट यहाँ पे क्या करता हूँ, ये भी बैक कर लेता हूँ गेम को। एंड अगर आप लोग बैक करते हो तभी माइनस होता है, और अगर आप लोग फालतू काम करते हो, कोई मतलब ग्लिच व्लिच यूज करते हो तभी आपका माइनस होगा। अगर आप लोग हैक भी लगाओगे तभी आपका माइनस हो सकता है, ठीक है। तो भाई जिस दिन यहाँ पे मैं माइनस किया, तो भाई चलो फटाफट और भी माइनस करता हूँ क्या क्या मेरे को नोटिस आ रहा है, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, जिससे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक और नोटिस आ चुका है जिसमें रोबोबिट बोल रहा है भाई आप लोग तो सीएस रैंकेड और बर्मुडा रैंकेड नहीं खेल पाओगे, और साथ में आप लोग जो मल्टीपल टीम के साथ भी नहीं खेल पाओगे, मतलब आप लोग डुओ स्क्वाड गेम मतलब स्टार्ट नहीं कर पाओगे, मतलब ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो भाई चलो इसको देखता हूँ क्या सच में नहीं सपोर्ट करेगा यहाँ पे रोबोपेट का, तो यही कहना है। तो चलो यहाँ पे अंडरस्टूड करता हूँ, यहाँ पे कोई मतलब स्क्वाड मोड लगा के देखता हूँ। तो ये तो बैन हो चुका है, रैंकेड भी बैन हो चुका है। तो चलो इसको मतलब लोन वोल्फ को डुओ करके देखता हूँ क्या मैं खेल पाऊंगा क्या। भाई ये देखो डुओ भी नहीं स्टार्ट हो रहा है भाई। ये बोल रहा है कि भाई आपको जो ऑनर स्कोर है ना 60 से कम है, इसीलिए आप लोग डुओ भी नहीं खेल पाओगे, मतलब आप लोग सिंपली सोलो खेल पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या होगा भाई, मेरा आईडी का तो वाट लग गया भाई। यहाँ पे मैं स्क्वाड नहीं खेल पा रहा हूँ, नहीं मतलब मैं यहाँ पे सीएस रैंक भी नहीं खेल पा रहा हूँ, यहाँ पर रैंकड भी नहीं खेल पा रहा हूँ भाई। जिससे देखोगे यहाँ पे मेरा ऑनर स्कोर 58 हो गया भाई, मतलब मेरा 100 तक मैंने कितना माइनस कर दिया। तो भाई चलो इसको मैं और माइनस करता हूँ। तो भाई ये करने के लिए मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, मैं तो डुओ नहीं खेल पाऊंगा इसलिए मैं सोलो स्टार्ट करता हूँ। एंड जैसे मैं स्टार्ट किया तो भाई देखता हूँ क्या होता है, इस बार माइनस होता है या प्लस होता है। तो भाई मैं यहाँ पे सोलो किया, एंड गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बैक मारूंगा। तो चलो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, यानी कि जैसे मैं बैक किया तो गाइस चलो यहाँ पे देखता हूँ ऑनर स्कोर क्या हुआ, माइनस हुआ प्लस हुआ, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो गाइस ये तो प्लस हो रहा है भाई, यहाँ पे एक प्लस हो गया, देखोगे यहाँ पे दो दो माइनस, कितना क्या हुआ भाई, कितना बार क्या हूँ मैं। और यहाँ पे देखोगे तो भाई ये देखो यहाँ पे एक माइनस हो गया। तो भाई अभी भी मैं मतलब 60 से कम, इसलिए मैं अभी डुओ नहीं खेल पाऊंगा। तो चलो एक और मैं यहाँ पे खेलता हूँ और इसको भी बैक करता हूँ, देखता हूँ क्या इसके बाद मेरा मतलब डुओ स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई डुओ स्टार्ट होगा तो भाई क्या होने वाला, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बैक कर लिया मैं। तो भाई लोग जैसे देखोगे यहाँ पे बैक किया तो भाई यहाँ पे एक और नोटिस आ चुका है जिसमें बोल रहा है भाई आप लोग डुओ आप स्क्वाड मोड तो खेल पाओगे, लेकिन सीएस रैंक और गाइस बर्मुडा रैंकेड आप लोग नहीं खेल पाओगे। तो भाई चलो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या मैं स्क्वाड खेल पा रहा हूँ या नहीं खेल पा रहा हूँ। तो जैसे मैं डुओ किया तो भाई हाँ यहाँ पे टीममेट के साथ मैं खेल पाऊंगा। तो चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, एंड स्टार्ट करके फिर से मैं इसको बैक मारता हूँ, एंड गाइस देखता हूँ क्या मतलब उसके बाद आखिर होने वाला क्या है। मतलब जैसे कि देखो गाइस मैं 58 तक तो माइनस कर दिया था, उसके बाद क्या होगा अपने आप मतलब बैक भी करने के बाद भी एक प्लस हो रहा था, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। चलो पे मैं बैक करता हूँ, एंड जैसे मैंने करूंगा तो गाइस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एंड गाइस फिर से वो नोटिस आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पे फिर से वो नोटिस आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है कि आप लोग मल्टीप्लेयर के साथ नहीं खेल पाओगे। तो गाइस देखता हूँ यहाँ पे डुओ स्टार्ट हो रहा है, तो देख लो यहाँ पे डुओ स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई। तो मतलब गाइस इसका मतलब यही है कि गाइस मैंने यहाँ पे टेस्ट कर लिया, गाइस आप लोग ऑनर स्कोर सिर्फ 56 मतलब आप लोग 50 से नीचे नहीं जा पाओगे, मतलब आप लोग इसको कभी भी जीरो नहीं कर पाओगे, मतलब 50% इसको आप लोग घटा सकते हो। देख लो गाइस यहाँ पे लिखा कर पुअर, मतलब काफ़ी पुअर हो चुका है। आप लोग सिर्फ सोलो मोड खेल के अगर आप लोग कोई किसी में जाकर रैंकेड वैंकेड खेलते हो, यानी कि अगर आप लोग भुया वुया मारते हो तो अभी आप लोग क्या कर पाओगे वो मतलब इंक्रीज कर पाओगे। तो आप जैसे डुओ खेलते सोलो खेल के जैसे 60 तक ऑनर स्कोर कर दोगे, तो उसके बाद आप लोग स्क्वाड जैसे गेम खेलते हो भुया वुया करते हो, मुझे आपका तो ये ना गाइस अपने आप बढ़ के 100 हो जाएगा। तो गाइस मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में दिखा दी इसको माइनस करके, गाइस ये माइनस करने से आखिर होता क्या है, एंड गाइस अगर आप लोग बैक वे करते हो तो ये आखिर होगा क्या। तो जैसे देखोगे तो यहाँ पे पूरी पूरी माइनस हुआ गाइस, यहाँ पे पूरी पूरी लिस्ट आ चुका है, रिपोर्ट में देख लो गाइस, रिपोर्ट फीडबैक में देख लो गाइस पूरी पूरी लिस्ट आ चुका है जो कि रोबोपेट का काम है ये सब। तो गाइस मैंने ऑनर स्कोर के बारे में बता दिया, एंड गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड गाइस पसंद आया होगा तो हमें मेरी वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना है। एंड गाइस आज की वीडियो में इतना, यहाँ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।